नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, काफी शानदार होंगे और मजेदार होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक लफड़ा बताऊंगा, जो बहुत ही बड़ा लफड़ा हो गया था वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने पप्पी को कब नहलाना है, कितने दिन पे नहलाना है, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वो लफड़ा क्या हुआ था। दोस्तों आपको भोला सोला के बारे में पता होगा, यूट्यूब पे मेरे जैसा ही उनका चैनल है और वो सबसे बड़ा चैनल अभी उन्हीं का है, ठीक है। तो उनके बारे में बता दूं कि वो एक सेंट बर्नार्ड डॉग किसी को सेल किए थे, उनका सेलिंग का भी काम है। तो वो अपना एक सेंट बर्नार्ड डॉग किसी को सेल किए थे और वो लड़का क्या किया, जो क्या सच है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भोला सोला सर बोले उनके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। तो वो लड़का क्या हुआ, डॉग को लिया और वो पप्पी ही था, लगभग अराउंड 30 से 45 दिन का था, और वो उस पप्पी को नहला दिया या फिर वो गलती से डॉग पानी के अंदर चला गया और पूरा नहा लिया। दोस्तों उस नहलाने के कारण उस जो सेंट बर्नार्ड पप्पी था उसके बॉडी में स्किन डिजीजेस हो गया, ठीक है। अब वो लड़का बोल रहा था कि मुझे ग्रेवाल सर ने ठग लिया। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप छोटे पप्पी को नहला देते हो ना तो आपका पप्पी मर भी सकता है। सिर्फ स्किन डिजीजेस ही नहीं, वो स्किन डिजीजेस भी हो सकता है या फिर आपका पप्पी मर भी सकता है। बहुत सारे केसेस में पप्पीज मर जाते हैं, तो आपको ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने दिन पे नहलाना चाहिए, कितना बार नहलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी बातें मेरे ऐप में बहुत ही पहले से मौजूद है, उसमें मैं डॉग से हेल्थ से रिलेटेड 100 ब्रीड से भी ज़्यादा डॉग्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप का नाम है डॉग एंड ऑनर, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताऊंगा छोटे पप्पी का भी और बड़ा पप्पी का भी। तो सबसे पहले मैं छोटे पप्पी का मैं आपको बता देता हूं कि कितने दिन से नहलाना स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो पप्पी को आप 8 वीक के बाद आप नहला सकते हो, मतलब कि 56 दिन, मतलब 2 मंथ का जब आपका पप्पी हो जाए तब उसको नहला सकते हो। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको 3 मंथ के बाद नहलाइए, ठीक है। 3 मंथ से पहले बिल्कुल भी मत नहलाइए। अगर आपका डॉग बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है, तो प्लीज उसको पानी से मत नहलाइएगा। पप्पीज के लिए एक स्पेशल शैम्पू आता है, ठीक है, वो शैम्पू आप उसके बॉडी पे पूरा छिड़क दोगे, ठीक है। वो लिक्विड टाइप में ही शैम्पू आता है और उसके बॉडी पर आप हल्का सा मसाज करोगे तो उसका पूरा बॉडी, मतलब एक झाग बन जाएगा पूरे बॉडी पे। उसको तौलिया से साफ करोगे तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बॉडी में जो गंदा है वो बाहर आ जाएगा। तो 3 महीने से पहले का जो पप्पी है उसको इस तरीके से नहलाइएगा, प्लीज पानी से मत नहलाइएगा। आपका पप्पी बीमार पड़ सकता है, उसमें स्किन डिजीजेज आ सकते हैं और अक्सर क्या होता है कि पप्पीज मर भी जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन पप्पीज मर जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कितने दिन पे आपको नहलाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं जब आपका पप्पी बड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो डॉग बन जाता है। दोस्तों जब वो डॉग बन जाए ना तो उसको किस तरीके से नहलाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्मी का। दोस्तों गर्मी में आप क्या करना कि उसको सप्ताह में 1 दिन नहलाना, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरी है तो 2 दिन नहला देना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि डॉग को रोज नहलाए, नहीं, डॉग का जो स्किन होता है वो अलग होता है और आदमी का स्किन वो अलग होता है, इसलिए दोनों को आप एक जैसा पैरेलल नहीं मान सकते, उसको एक जैसा आप नहीं नहला सकते। दोस्तों आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा शैम्पू आपको यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि कौन सा शैम्पू यूज करना है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा शैम्पू यूज नहीं करना है। देखिए गर्मी में तो आपने जान लिया कि उसको सप्ताह में 1 दिन नहलाइए, अगर ज्यादा जरूरी है तो 2 दिन नहला दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ठंडी में। दोस्तों ठंडी में उसको महीना में 1 बार नहलाइए, अगर ज्यादा जरूरी है तो महीना में सिर्फ 2 बार नहलाइए, ठीक है। तो ये हो गया उसको किस तरीके से नहलाना है। देखिए जब आप पप्पीज को, जो छोटे पप्पी होते हैं, उसको नहलाने के बाद उसको बढ़िया से पोछ दीजिएगा। पोछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप उसको नहीं पोछोगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार लग जाएगा और आप बहुत ही टेंशन में आ जाओगे। पप्पी को परेशानी तो होगा ही होगा, आप भी टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो उसको बढ़िया से उसका बॉडी सूखना चाहिए और हेयर ड्रायर यूज मत कीजिएगा। हेयर ड्रायर अगर आप यूज करोगे
अगर हेयर ड्रायर आप अपने पपीज पे यूज करोगे तो उसका जो बॉडी होगा वो रूखा सूखा हो जाएगा, ठीक है, और उसके कारण उसके बॉडी में डेंड्रफ बनेगा, डेंड्रफ होने के कारण उसका बाल झड़ेगा और आप बोलोगे मेरे डॉग को हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो गया है। तो उसको आप आपके बॉडी पे हेयर ड्रायर यूज नहीं करना, ठीक है, ना ही डॉग्स पे ना ही पपीज पे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो बाथिंग पे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा शैम्पू यूज नहीं करना है। दोस्तों देखिए, आगे मैंने बताया था वो पप्पी वाला शैम्पू, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको कहते हैं ड्राई शैम्पू, आप वो यूज कर सकते हो अपने पपीज पे। अब बात करते हैं बड़े डॉग पे। दोस्तों देखिए, लोग कोई कोई लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन वाला शैम्पू डॉग पे यूज कर देते हैं। ह्यूमन वाला शैम्पू बिल्कुल भी डॉग पे यूज मत कीजिएगा। देखिए, ह्यूमन वाला जो शैम्पू होता है वो ज्यादा हार्ड होता है, आप उसको डॉग के बॉडी पे यूज करोगे तो उसका स्किन अलग है, उसका बाल अलग है, उसका बाल रफ हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्लीज ह्यूमन वाला शैम्पू मत यूज कीजिएगा। और गलती से आप एक दो दिन आप नहला सकते हो, गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक आप एक दिन नहला सकते हो। लेकिन हाँ, आप भूल से भी ह्यूमन वाला साबुन यूज मत कीजिएगा, कोई भी साबुन डॉग पे यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अब उसको यूज कौन सा करना है, एक शैम्पू आता है हिमालयन का, मैं आपको दिखाता हूँ, रूम के अंदर है, मेरे घर में है, ठीक है, तो वो शैम्पू आप यूज कर सकते हो, स्किन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, हिमालयन एरिना कोट क्लीनर इसको कहते हैं। इससे जो डॉग का कोट होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से कोट साफ हो जाता है। वैसे तो बहुत सारा शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये शैम्पू यूज कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा अमेजन पे यही सेल हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा शैम्पू, और इसका रिव्यू भी सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये शैम्पू आप यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये रहा हमारा आज का वीडियो, होप करता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, होप करता हूँ कि 2000 लाइक इस वीडियो में जरूर मिलेगा। दोस्तों हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब वीडियो के नीचे रेड कलर में इस तरीके का सब्सक्राइब होगा, उसको क्लिक करने का 3 बेल का आइकन आएगा, तो सबसे ऊपर वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। दोस्तों मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।